हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी मशीन के बारे में बात करेंगे, जिसको कि आप इलेक्ट्रिक डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, मशीन इसलिए क्योंकि ये मशीन है भाई। मशीन है तो क्या काम करती है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनको एक्सेलरेट कराने के काम में आती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है आज मॉडर्न साइंस में, क्योंकि जितने भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं उनमें ये एक एसेंशियल मशीन है, जिसका कि काम पड़ता ही रहता है साइंटिस्टों को। तो इस मशीन का नाम है बेटा साइक्लोटोन। इस मशीन का क्या नाम है? साइक्लोटोन। ठीक, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि प्रिंसिपल भी बताओ, या प्रिंसिपल कोई भी आदमी पूछता है आपसे, प्रिंसिपल क्या है भाई साइक्लोटोन का, किस सिद्धांत पर यह काम करती है, तो आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि द वर्किंग ऑफ ए साइक्लोटोन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट टू ए सफिशियंट हाई एनर्जी विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मेकिंग इट टू क्रॉस टाइम अगेन। टाइम अगेन का मतलब बार बार। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑसिलेटिंग स्मॉलर वैल्यू का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया हुआ है, उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बार 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 वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको क्रॉस कराएंगे। ठीक है ना, टाइम अगेन। टाइम अगेन का मतलब है, ठीक है, विद द यूज ऑफ हैवी या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये है इसका प्रिंसिपल। आ गई बात समझ में? फिर से मैं आपको बोल देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं प्रिंसिपल को, कि एक साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक पॉजिटिव चार्ज आयन को एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बार 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 उसको त्वरित करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट का मतलब त्वरित करना, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, हैवी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बार 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 बार। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसको क्रॉस क्या करेगा? वो अंदर है बेटा, अभी सब बात बताएंगे। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मशीन में और कहीं पर नहीं है, तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। बहुत गजब की मशीन है ये, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि में एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक निश्चित दायरे में ही होता है, पूरे मशीन के अंदर फैला नहीं होता। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में से वो चार्ज पार्टिकल जिसको कि हमको ऑसिलेट एक्सेलरेट कराना है, उसको हम बार 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 उसमें से गुजारते हैं। और गुजारते कैसे हैं? एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके। ठीक है, समझ में आ गया बात? और जब हम एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मशीन में डाल दिया, मशीन में दो काम कर दिया हमने, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा दिया, मैग्नेट तो हमने लगाए हुए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है ही, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से लगा दिया, उसको बाहर से ऑन कर दिया, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों काम हो गए उस मशीन के अंदर, दोनों चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। अब हम बाहर से एक चार्ज पार्टिकल को डालेंगे, जो भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना उसको हमने डालेंगे तो फिर क्या होगा कि वो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है। अब कैसे होता है वो सब, अब वर्किंग अब हम शुरू करते हैं वर्किंग के लिए। तो वर्किंग बताने के पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट में बात बता देता हूं। शॉर्ट में ये बात बताऊंगा कि इसमें वर्किंग में होता क्या, फिर एक एक चीज को बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ये जो पी पॉइंट यहां पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पी पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये पी पॉइंट पर हम बाहर से एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो हम यहां पर प्रोजेक्ट कराएंगे।
जब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कराएंगे तो एक ये डी बनी हुई है, ये डी टू, और ये एक डी बनी हुई है डी वन। ये डी क्या है? ये डी ऐसी है बेटा, ये सपोज मान लीजिए ये आपका एक लंच बॉक्स है, सपोज मान लीजिए जो आपका टिफिन है, गोल गोल जो स्टील के आते हैं ना लंच बॉक्स, स्टील के जो लंच बॉक्स आते हैं, मान लीजिए ये वो है लंच बॉक्स। उस लंच बॉक्स को बेटा अगर हम ये लंच बॉक्स बीच ये रखा हुआ है स्टील का, इसको हम अगर बीच में से काट दें तो दो भाग हो जाएंगे। दो भाग कैसे हो जाएंगे? इस तरीके के हो जाएंगे दो भाग। ये हो गया एक भाग, ये हो गया एक भाग, ये हो गया ठीक। अब उस लंच बॉक्स में बेटा ढक्कन लगा हुआ है तो अंदर से तो वो खोखला है, और जब मैं बीच में से काटूंगा तो ये जो भाग है, दो भाग, ये अंदर से खोखले होंगे, इधर से भी गैप होगा और इधर से भी गैप होगा। तो ये एक हॉलो सिलेंडर का काम करेंगे, एक हॉलो सेमी सर्कल सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि किसी भी हॉलो सिलेंडर में या हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं है। ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए ये D2 है, जैसा कि इसमें दिखाया है, ये D2 है ये वाली, और वो वाली जो है वो D1 है। ठीक, इसको हमने ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? डीसी नहीं होती है, हमारे घरों में जो आती है एसी, उसको हम ऑसिलेटिंग, क्योंकि एसी क्या है, वो ऐसे चलती है, एसी की ऐसे साइकिल बनती है बेटा, ये पॉजिटिव साइकिल होती है और ये नेगेटिव साइकिल होती है। ठीक, तो ये ऑसिलेट कर रही है ना, तो इसको हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक कहेंगे एसी को। और ये जब हम एसी अप्लाई कर दिए इसमें, तो यहां पर इस डी को मान लीजिए, ये डी इस वक्त जब ऑसिलेटिंग करंट का ये वाला जो साइकिल है, ये वाला साइकिल जब यहां पर आ रहा है तो ये हो जा रही है, ये पॉजिटिव है। तो सपोज मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव यहां पर आएगी, और फिर जब दूसरी साइकिल चलेगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो पहली साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, पहली साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ और ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, पहली हाफ साइकिल में। ठीक है, पहली हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। तब क्या होगा कि ये चूंकि हॉलो है तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? ये वाले रीजन में होगा, ये बीच वाले रीजन में, ये बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और ये जो पी पॉइंट यहां पर मैंने दिखाया है, ये पी पॉइंट यहां पर है, मैंने बाहर से एक उस मशीन में एक वे बनाते हैं पाइप लगा के, उस वे में से प्रोजेक्ट करा देते हैं जो भी पार्टिकल को हमको एक्सेलरेट कराना होता है वो, तो वो जो वे बनाते हैं उसकी ओपनिंग यहां पर खुलती है, तो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आके गिरेगा। जब इसके अंदर आके गिरेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, और ये वाली डी की जो बॉडी है, ये वाली डी की बाहर की बॉडी, ये वाले डी की बाहर की बॉडी बेटा पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जैसे ही ये पार्टिकल इसके अंदर प्रोजेक्ट हुआ, मान लीजिए यहां पर ये एक पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप में से हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डाला, वो चार्ज पार्टिकल यहां आके गिरा। जब यहां आके गिरेगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि डी वन की तरफ है, यहां डी वन की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, एफ इक्वल टू क्यू ई, इस अमाउंट का फोर्स लगेगा, ये अमाउंट का फोर्स इधर की तरफ इस चार्ज पार्टिकल को धकेलेगा बेटा। जब इस चार्ज पार्टिकल को इधर की तरफ धकेलेगा तो ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, नॉर्थ मैग्नेट, और इधर लगाया हमने साउथ मैग्नेट, तो मैग्नेट का डायरेक्शन भी यूं आ रहा है। अब मान लीजिए आपकी जो वो है क्या नाम से, ये डी डी यू रखी हुई है, ऊपर हमने मैग्नेट लगाया, तो मैग्नेट का डायरेक्शन हो गया
डाउनवर्ड, मैग्नेट का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो गया। तो देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो इधर की तरफ धकेला जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ इसको पुश किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर आ गया डी के अंदर। अब इस डी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं क्योंकि ये डी हॉलो है, ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अंदर कौन सा होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, ये चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को बताएगी और ये जो थंब है हमारी ये फोर्स को बताएगी। तो देखिए आप यू हमारा लग गया है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर यहां नीचे डी रखी हुई है, आयन है, आयन इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आयन यहां पर आया था वो अब इसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर जब यू जाएगा, ठीक है, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, किसका? चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल यू जाएगा मैग्नेटिक, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर यू जा रहा है, ठीक। तो फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। फोर्स क्या लगेगा? ये जो व्हाइट बोर्ड है व्हाइट बोर्ड के पीछे की ओर लगेगा। अब जब व्हाइट बोर्ड के पीछे की ओर फोर्स लग रहा है बेटा, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल यू जा रहा है व्हाइट बोर्ड के पीछे की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल यू ना जाके थोड़ा सा यू टर्न हो जाएगा और जैसे ही यू टर्न होगा तो फिर इस पर फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर ही फोर्स लगेगा, जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर लगेगा इधर की तरफ, इस सेंटर की तरफ ही लगेगा फोर्स। तो वो क्या करेगा कि चार्ज पार्टिकल पहले तो ये डी वन में यू घुसा तो इसमें फोर्स लगा इधर व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ, व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ लगा तो वो यू मुड़ गया, जब यू मुड़ गया तो फिर यू लगा, फिर यू लगा, फिर यू लगा, ऐसे लगता चला जाएगा। आप देख लीजिएगा बैठ के इस बना के दो तीन पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल इस डी में यहां से एंटर करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे यू घूम जाएगा, इस डी में यू घूम जाएगा, यू घूम के इस यहां पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बनाएगा? एक हाफ सर्कल बनाएगा यहां पर। अब ये वापस यहां पर निकलेगा, जैसे ही ये यहां पर निकलेगा यानी कि ये वाला साइकिल इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला साइकिल जिस वक्त खत्म हो रहा है और नेगेटिव साइकिल चालू हो रहा है उसी वक्त इसका भी ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो पाथ है, रास्ता है, जो आधा सर्कल इसने बनाया, ये भी उसी समय खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यू आया यहां डी में, यहां से एंटर किया, ऐसे एंटर किया और यहां पर आया, उसी समय ये ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया हुआ है, ये D2 पॉजिटिव और D1 नेगेटिव, तो ये भी खत्म होगा हाफ साइकिल और दूसरा हाफ साइकिल चालू हो जाएगा। जैसे ही दूसरा हाफ साइकिल चालू होगा बेटा, तो ये D2 जो अभी पॉजिटिव था इस वक्त, अब ये चार्ज पार्टिकल वापस यहां बाहर निकलेगा, इस रीजन में आएगा, ये वाले रीजन में आएगा जिस रीजन में आया था शुरू में यहीं पर तो आया था, प्रोजेक्ट किया गया था, तो ये वापस इस रीजन में आएगा। अब इस रीजन में आएगा तब क्या होगा कि ये जो डी हमारी पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी, अब ये बदल जाएगी, ऑसिलेट हो गया। अब ये वाला साइकिल आएगा तो ये हो जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा जो आयन है जो यहां से एंटर किया था अब वो यहां पर आएगा, यहां से एंटर किया था वो यहां पर आएगा, तो यहां से एंटर किया अब ये यहां पर निकल रहा, अब ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया, तो ये इसको इधर की तरफ धकेलेगा। जब ये इसको इधर की तरफ धकेलेगा तो इस वाले डी में यू घुसेगा, ये वाला डी है, ठीक है, इस वाले डी में घुसेगा। और फिर जैसे ये कर्व लिया था वैसे ये वाला भी कर्व बन जाएगा। अब देखो समझो यहां पर जो भी उसकी इनिशियल जो हमने बाहर से मैन्युअली जो उसको वेलोसिटी दी थी, फेंका था इसके अंदर, ठीक है, वो मान लीजिए वी रही होगी, तो इसने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको धकेला तो वो जो वी वेलोसिटी थी वो कुछ बढ़ी होगी, क्योंकि एक्सेलरेट बाहर से फोर्स लगा, फोर्स हमेशा स्पीड को बढ़ाता है, मोशन को बढ़ाता है, तो फोर्स ने यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ा दी होगी, मान लीजिए वी1, यहां पर ये वी1 वेलोसिटी बनी,
तो जब ये V1 से ही यहां पर आएगा, क्योंकि अब यहां पर फोर्स खत्म हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट हुआ था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अब एक्सेलरेट करेगा नहीं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता चला जाएगा। तो उसने डायरेक्शन को बदल दिया, उसने इसको सीधे न जाते हुए इसको यूं मोड़ दिया। अब यहां पर मोड़ दिया, यहां पर मोड़ने के बाद ये जैसे ही इसके बाहर शूट आउट होगा इस रीजन में वापिस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, ठीक है, वहां पर फिर वापिस इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, ठीक है, वो फोर्स इसको वापस फिर एक्सेलरेट कराएगा। तो ये जो V1 वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से निकलेगा यहां पर बाहर, और ये अब V1 ना होके V2 हो जाएगी जो कि बढ़ी हुई होगी, ये V2 हो जाएगी यहां पर जो कि बढ़ी हुई होगी। फिर ये यहां पर यूं घूमेगा, फिर घूमने के बाद फिर वापस V2 वेलोसिटी से ही अब ये बाहर इस रीजन में आएगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, अब ये वापस फिर इसकी जो वेलोसिटी है उसको बढ़ाएगा, अब ये V3 हो जाएगी, अब ये V3 से फिर यूं आएगा, फिर यूं आके यहां पर इसके अंदर तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, वो V3 से ही यूं मूव करेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदलेगा जो कि मैंने तुमको ये बताया था, ठीक है। अब ये जो यहां से निकलेगा वो V3 से निकलेगा जो कि अब V3 नहीं होगी, फिर वापिस एक्सेलरेट हो जाएगी, ये V4 हो जाएगी, ठीक है। अब ये V4 से यहां पर यूं आएगा, ठीक है, और यहां पर V4 से निकलेगा, लेकिन अब वो V4 ना होके वो एक्सेलरेट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, तो यहां पर V4 ना होके V5 हो जाएगी। ऐसे करते करते इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब स्पीड तो बढ़ रही है, ठीक है ना, अच्छा भाई, तो स्पीड बढ़ रही है तो क्या इसी जो सर्कुलर पाथ है इसी में करेगा क्या, इसका रेडियस यही रहेगा क्या पूरे उसमें और स्पीड बढ़ती जाएगी? ऐसा नहीं है बेटा, वो क्या होगा, स्पाइरल। इसका जो पाथ है जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया, ये यूं आएगा, पहला राउंड यूं मारेगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये इस तरीके से आता जाएगा, और इसका रेडियस बेटा, और ये यहां पर, ये देखिए यहां पर विंडो लगी हुई है, एकदम हाई स्पीड जब हो जाएगी तो ये विंडो में से तुरंत बाहर की ओर शूट आउट हो जाएगा, और जहां पर भी हमको बम्बार्ड कराना है उस टारगेट को इसके सामने रख दिया जाएगा, वहां पर बम्बार्डमेंट होगी और फिर उसके रिजल्ट को देखा जाएगा, ठीक है। यहां पर ये टारगेट आ गया, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका हर रोटेशन में इसका क्या हो रहा है, रेडियस बदलता जा रहा है। अभी ये R1 यहां पर हुआ, फिर यहां पर R2 हो गया, फिर यहां पर ये R3 हो गया, तो रेडियस इसका बदल रहा है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि रेडियस इसका किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है ना, रेडियस की वैल्यू क्या है। तो देखिए आपको मैं बताऊं कि पाथ इसके अंदर कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट पाथ तो बन नहीं रहा, रेक्टिलिनियर मोशन तो है नहीं इसके अंदर, रेक्टिलिनियर मोशन तो केवल दोनों डी के बीच का जो ये पोर्शन है जो बहुत कम रखते हैं हम, ये तो दिखाने के लिए डी को बढ़ा दिया, बहुत नजदीक रखते हैं, तो इसके अंदर तो रेक्टिलिनियर होगा, एक बार इधर ऐसे जाएगा फिर बाहर निकलेगा ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये यूं आएगा इसमें जाएगा फिर यहां से ऐसे निकलेगा इसमें, ठीक है, इधर से जाएगा उधर से निकलेगा फिर इधर से जाएगा उधर से निकलेगा फिर इधर से जाएगा उधर से निकलेगा। और जब भी इसके अंदर एंटर करेगा, इसमें जब भी इसमें एंटर करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, अब बढ़ती चली जाएगी तो उसकी वजह से इसका जो रेडियस है ये भी बढ़ता चला जाएगा। अब कैसे बढ़ता है ये मैं बताऊं, तो देखिए यहां पर ये सर्कुलर हाफ सर्किल यहां बन रहा है, हाफ सर्किल इसके अंदर बन रहा है, अब बिना सर्कुलर मोशन के लिए मतलब जरूरी एसेंशियल चीज क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना बनेगा नहीं। अब फील्ड और इस पर फोर्स किसका लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज पार्टिकल जब मूव, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है बेटा, BQV, ये फोर्स लगता है, ठीक है,
इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यू बी इंटू वी, ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो ये क्यू बी वी इस अमाउंट का फोर्स लगेगा और यही फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा सर्कल सेमी सर्कल बनाने के लिए। तो ये बराबर हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए आप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से पार्टिकल जो अंदर यू जा रहा था वो टर्न होता चला गया और सेमी सर्कल बना लिया। और जिस समय सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ उसी समय ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया था उसका भी फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया है, एक बार डी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दूसरे हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव नेगेटिव होती रहेगी, वो चीज तो मैंने आपको बता दी। अब यहां पर रेडियस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि रेडियस किस तरीके से जो है वो डिपेंड करता है इस मशीन में, जो चार्ज पार्टिकल का रोटेशन है उसका रेडियस। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू हो गया हमारा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू पी वी। अब ये वी से ये स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी। तो हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल का जो बच्चों जो रेडियस होगा वो देखिए मास कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो हमने अप्लाई किया हुआ वो भी कांस्टेंट है, कोई भी चीज बदल नहीं रही है। बदलेगा क्या, वी, वी कहां बदलेगा, ये दो दो डी है उनके गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, केवल गैप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा क्योंकि डी हॉलो है और हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो उस गैप में बनेगा और उस गैप में जब भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो वी पर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब हर जो इनकमिंग है, ठीक है, हर इनकमिंग में इस गैप में जो इनकमिंग हो रही है चार्ज पार्टिकल की, हर इनकमिंग में वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ रहा है, इसीलिए वो स्पाइरल बनता चला जाएगा, उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका, ये इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट पॉज करके, फिर हम आगे और बताते हैं। अब मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं बेटा, R इक्वल टू, ये तो हम जान गए, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है भाई। अब देखिए आप, इसमें ये D है, सपोज मान लीजिए ये D है, ठीक, इस डी को मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ये हमारी डी है और पार्टिकल यहां पर आया, ये दूसरी डी है, ये दूसरी डी है, पार्टिकल यहां पर प्रोजेक्ट किया गया, ये पी पॉइंट पर प्रोजेक्ट किया गया जो कि पार्टिकल इधर की तरफ मूव किया, ठीक है, इधर की तरफ इसके अंदर एंटर किया तो ये मुड़ा, अब ये यहां पर यह मुड़ा, हाफ सर्कल बनाया, सेमी हाफ सेमी सर्कल बनाया। अब ये जो सेमी सर्कल इसने बनाया, इस सेमी सर्कल को बनाने में इसको टाइम कितना लगा, इस सेमी सर्कल को बनाने में टाइम कितना लगा, तो देखिए टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, नोट करते चले जाओ, इस सेमी सर्कल को बनाने में मान लीजिए टी टाइम लगा, तो टी इक्वल टू क्या निकालेंगे अब, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये सेमी सर्कल है किसी भी रेडियस आर का, तो पाई, फुल सर्किल का होता है टू पाई आर, तो ये आधी सर्किल बनी है तो पाई आर, ठीक है, पाई आर अपॉन वी, ठीक है,
पाई आर अपॉन वी। अब आर की वैल्यू हम जानते हैं यहां पर ये है, चलो भैया यहां पर डाल दिया जाए, तो ये बराबर हो जाएगा पाई, ठीक है, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, क्यू बी और वी। ये वी से वी कट गया, क्या बचा आपके पास, पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, पाई एम अपॉन क्यू बी। ये इसका टाइम, आधा सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही गजब की चीज मिल गई भाई साहब, बड़ा मजा आता है जब ऐसी सब चीज मिलती है। तो देखिए क्या मिला हमको, देखिए ये जो टाइम मिला ये इसके बराबर हुआ, तो हमने यहां पर लिख दिया टी इक्वल टू पाई, ये पाई हमने ऐसे ही लिख दिया, एम को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी इंटू क्यू अपॉन एम। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्यू अपॉन एम, अब ये क्यू अपॉन एम, एम ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो पाई एम यही चीज बन जाएगी, इसी चीज को हमने बदल दिया यहां पर, पाई अपॉन बी क्यू अपॉन एम। अब यहां पर देखिए बच्चों कि ये पाई जो है मैथमेटिकल वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है ये भी कांस्टेंट हो गया, क्यू अपॉन एम क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज, ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब जो ये टाइम है ये पूरा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया बच्चों, नोट कर लो, ये क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। यानी कि टाइम जो है हमारा, ये टाइम जो कि शुरू में इस फॉर्मूले के अनुसार आर और वी पर डिपेंड कर रहा था, फाइनली वो ना तो रेडियस पर डिपेंड करेगा ना वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो ये रेडियस, पहला रेडियस ये बना और फिर दूसरा ये बनेगा, बड़ा बनेगा, फिर तीसरा और बड़ा बनेगा, ठीक है, तो ये रेडियस और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यहां पर वेलोसिटी कम थी, यहां पर ज्यादा हुई और ज्यादा हुई, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये जो टाइम है ये एक्यूरेट वही है, क्योंकि इसका तो टाइम वही है, इस ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है इसका तो जो टाइम पीरियड है वो तो बदलेगा नहीं भाई। एसी जो आपका है एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है ना, तो वो तो 50 ही साइकिल कंप्लीट करेगा, इसीलिए इसमें भी देखिए टाइम जो है हमारा कांस्टेंट आ गया, टाइम हमारा ना तो रेडियस और ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो टाइम पीरियड इसका होगा वही टाइम पीरियड इसका भी, जो इसके जो रिवॉल्यूशन है आयन का, इसका भी टाइम पीरियड वही होगा, वो रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चलो हम इसको भी यहां पर लिख देते हैं, तो टी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक, ये भी हमको एक फॉर्मूला मिल गया। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो बच्चों, मान लीजिए अब हम इसकी वेलोसिटी निकाले, टाइम पीरियड हमने, रेडियस भी हमने देख लिया, टाइम भी हमने देख लिया, ठीक है, अब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। सपोज मान लीजिए जिस समय ये शूट आउट हो रहा है इस समय सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, अब अंदर की वेलोसिटी से हमको मालूम कुछ लेना नहीं है कि पहले सर्कल में, दूसरे सर्कल में, तीसरे में क्या हुआ, हमें तो वो चाहिए वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो कि ट्रेजेक्टरी को हिट करने के लिए यूज में हम ले रहे हैं। तो ये वेलोसिटी मान लीजिए वी नॉट हुई, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वी नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, वी नॉट क्या है इसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने मान लिया, तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है, वी क्यू वी। अब यहां पर ये जो वी है, ये वी आपका मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी क्यू, ये वी नॉट, ये बराबर किसके हो जाएगा, किसके हो जाएगा, वी क्यू वी नॉट, ये बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है, यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, एम v
वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहां पर वी नॉट कर देते हैं। ठीक है, तो वी नॉट बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हुई, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी आपकी वी नॉट इक्वल टू, वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। ठीक है, वी नॉट इंटू आर, ये आर भी क्रॉस में चला जाएगा, आर ये एम अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक वी भी नीचे आ जाएगा क्योंकि इसी वी नॉट को तो हमने लिया हुआ है, तो ये स्क्वायर है वी नॉट इंटू वी नॉट, तो एक वी नॉट यहां पर हो गया, एक वी नॉट नीचे आ जाएगा, ये वी नॉट से ये वी नॉट कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी इस समय, इस समय की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी बी क्यू आर अपॉन एम। इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है, बी क्यू आर अपॉन एम। अच्छा, यहां पर ये चूंकि हम इस स्पीड को ले रहे हैं तो इसका जो रेडियस बन रहा है, इस वाले मैक्स जो लास्ट की जो ट्रेजेक्टरी है इसकी हाफ साइकिल की, उसका रेडियस जो बन रहा है उसको आप आर नॉट लिख सकते हो, यहां पर, यहां पर आर नॉट लिख दो भैया। ठीक है, ये आर नॉट आ जाएगा, ये उसके लिए है रेडियस के लिए, लास्ट वाले रेडियस के लिए जो कि उसने फाइनली बनाया। ठीक है, तो ये हो गया, अब हमको यहां पर ये चीज में मिल गई, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू आर नॉट अपॉन एम, ये भी मिल गया, इसको नोट कर लो पाउज करके। अब हम आते हैं, अब हमको तीन चीज मिल गई, रेडियस मिल गया, हमने समझ लिया रेडियस क्या बनेगा, कितना बनेगा, किस पर डिपेंड करेगा, टाइम भी मिल गया हमको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमको मिल गई। अब भैया यहां पर ये हिट कर रहा है, यहां पर ये हिट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, किस एनर्जी से ये हिट करेगा। ठीक है, हाँ, तो इसकी जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो होगी, तो भैया काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम इक्वल टू होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमको के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी, वी की जगह हम ये रखेंगे क्योंकि यही वाली स्पीड है मैक्सिमम स्पीड वी नॉट, ये कितनी है, बी क्यू आर नॉट अपॉन एम। ठीक है, तो बी क्यू आर नॉट अपॉन एम का स्क्वायर। ठीक है, एम का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, तो के मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहां से ये एम ये स्क्वायर कट गया, तो ये के मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, के मैक्सिमम इक्वल टू हो गया आपका बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन नोट करो इसको भी। ठीक है, अब हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई, ये भी यहां पर आप लिखते जाइए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये बराबर हो जाएगी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन टू एम, ये भी मिल गई, नोट कर लो फटाफट। अब इसको मिटा देता हूं बेटा,
हाँ भाई अच्छा अब क्या रह गया? टाइम पीरियड, चलो भाई टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होगा भाई? पूरा एक सर्कल लगाने में टी इक्वल टू होगा ये आधा सर्कल, ये जो टाइम है ये आधे सर्कल का है, तो टू टी, टू इंटू टी, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा? टू इंटू टी कितनी है? पाई एम अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड हमारा ये निकल के आ गया। टाइम पीरियड हमारा क्या निकल के आ गया? टू टी, टू टू इंटू टी, टू इंटू पाई एम अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड निकल के आ गया। टाइम पीरियड इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड निकल के आ गया। अब जब टाइम पीरियड निकल के आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होगा? न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो गया? न्यू इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा? क्यू बी अपॉन टू पाई एम, ये भी यहां पर लिख लीजिए, न्यू क्यू बी अपॉन टू पाई एम, ठीक है। टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल लिया। अब एक लास्ट में एक चीज और बची, एक चीज और क्या बची बेटा? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या बची? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बची। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, साइक्लोटोन की है, तो हम मैंने लिख दिया ओमेगा सी। सी मीन्स साइक्लोटोन, यानी कि है साइक्लोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई न्यू, टू पाई न्यू, तो ये बराबर हो गया बेटा टू पाई, और न्यू की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, क्यू बी अपॉन टू पाई एम, टू पाई से टू पाई कट गया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इक्वल टू हो गई क्यू बी अपॉन एम। ये आपके सारे इसके जो जो भी इसकी जो फार्मूले थे जो कि पूछे जाते हैं, देखिए एग्जाम में आपसे साइक्लोटोन का वर्किंग पूछेगा। अगर आपने ये चित्र बना दिया, बड़ा ही सरल चित्र है, अगर चित्र भी बना दोगे बच्चों तो आधा नंबर मिल जाएगा, हो सकता है मेरे जैसा टीचर हो तो एक नंबर भी दे दे, ठीक है। ये आता है, चार नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वर्किंग पूछ लेगा, वर्किंग पूछने के बाद आपसे रेडियस पूछ लेगा, रेडियस की डिपेंडेंसी पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, जो भी चीज पूछे, अगर सब पूछे तो सब बता दो। प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल, आपने चित्र बना दिया आधा नंबर, प्रिंसिपल लिख दिया आधा नंबर, एक नंबर आपके वो वैसे हो गए। फिर आपने मान लीजिए ड्राइव नहीं कर पाते, डायरेक्ट फार्मूला रटा हुआ वो आप लिख देंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, कहने का मतलब आपको दो ढाई नंबर मिल जाएगा। अगर ड्राइव राइट कर लोगे तो चार नंबर में से चार ही मिलेगा, ठीक है, पौने चार या साढ़े तीन नहीं मिलेगा, कर लेना बेटा, ठीक है, ओके। और कुछ भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो जो कि मैं बोलना भूल गया, नहीं बता पाया, कमेंट में जाके आप उसको लिखो, हम आपको उसका जवाब देंगे, ठीक है। पसंद आई हो मेरी ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी बढ़ाओ भाई ताकि और लोगों का भी फायदा हो, ठीक, ओके।